Hello, this is Manoj Kumari. Now we are going to start the topic fraction, and now we start the question which are based on fraction. आज हम आपको करवाएंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है. अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या है, राइट द फ्रैक्शन ऑफ सेडिड पार्ट. कि हमें फ्रैक्शन राइट करनी है, किसकी राइट करनी है, सेडिड पार्ट की फ्रैक्शन राइट करनी है. तो देखिए, हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है. क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है. इसमें हाफ तो सेडिड पार्ट है और हाफ क्या है, अनसेडिड पार्ट. तो फ्रैक्शन, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में करवाया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि किसी भी कंप्लीट चीज का क्या होता है, एक पार्ट होता है. फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल. तो जिसकी फ्रैक्शन लिखनी है, किसकी लिखनी है हमने फ्रैक्शन, इसमें सेडिड पार्ट की. तो देखिए, सेडिड पार्ट ये देखेंगे इसमें कितने हैं, कितने, एक ही सेडिड पार्ट है. तो ये कितना जाएगा, वन अपॉन में. टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है सर्कल, ये वन और ये टू. तो अपॉन में कितना जाएगा, टू. तो वन बाई टू क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखिए, राइट फ्रैक्शन ऑफ अनसेडिड पार्ट. अनसेडिड का मतलब है जो सेड किया हुआ नहीं है. तो देखो, ये जो फिगर दे रखा है इसमें कितने पार्ट है, वन टू थ्री फोर. इसमें एक तो अनसेडिड है और बाकी क्या है, सेडिड है. तो इसमें किसकी फ्रैक्शन पूछिए, अनसेडिड की. तो अनसेडिड है कितना, वन, और अपॉन में टोटल कितने आ गए, फोर. तो इसका अनसेडिड पार्ट जो है उसकी जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास कितनी आ गई, वन अपॉन में फोर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फ्रैक्शनल नंबर. कि कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है हमारे पास और उसको किस में लिखना है, हमने फ्रैक्शन में लिखना है. तो देखो, टू थर्ड्स, तो टू थर्ड का मतलब है टू अपॉन में थ्री. टू थर्ड का मतलब कितना है, टू अपॉन में थ्री. तो ये फ्रैक्शन में राइट किया गया. तो इसने यही कहा था कि भाई, जो फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है इसको किस में लिखो, फ्रैक्शन में राइट करो. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टू अपॉन में थ्री. क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. कि हमने न्यूमिनेटर राइट करना है और डिनोमिनेटर. तो जो फ्रैक्शनल नंबर का अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर. उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर. और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर. तो इसमें क्या कहा था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर राइट करने हैं. तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, इसमें न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर बोलो कितना हो जाएगा, फोर. और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर. तो ये कितना हो जाएगा, नाइन. न्यूमिनेटर कितना हो गया, फोर. और डिनोमिनेटर कितना हो गया, नाइन. ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या है, इन एट अपॉन नाइनटीन द ब्लैंक्स इज नाइनटीन. देखो, ये एक फ्रैक्शन दे रखी है हमारे पास. कितनी दे रखी है, एट अपॉन में नाइनटीन, और इसमें ब्लैंक्स करके ये पूछ रखा है कि नाइनटीन क्या है. तो अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर. जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. तो इसमें 19 पूछा है, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 19. तो डिनोमिनेटर क्या है, 19. तो जो ये ब्लैंक है इसमें क्या फिल कर देंगे हम, डिनोमिनेटर. तो इसने यही पूछा था कि इसमें 19 क्या है. तो 19 क्या है, इसमें डिनोमिनेटर है. ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया. तो इस तरह से मैंने आपको सेडिड, अनसेडिड, फ्रैक्शनल पार्ट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये और ब्लैंक्स फिल करने सिखाए हैं. थैंक्स.